Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं जानवी कपूर का न्यू मूवी का ट्रेलर, वो है उलझ ऑफिशियल ट्रेलर आज हम देखने जा रहे हैं। और इसमें है जानवी कपूर, गुलशन डी रोशन, सुधांशु सारिया एंड 2 अगस्त को रिलीज होने वाला है इन थिएटर नियर अस। और मैं तो लाइक एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि पता है अभी जानवी कपूर के जो भी मूवीज आ रहे हैं शी इज बीन डूइंग वेरी गुड। और वो राजकुमार राव का श्रीकांत भी जो आया है ना राजकुमार राव के साथ, वो क्रिकेट वाला, उसमें भी शी हैज बीन डिड अ फैंटास्टिक थिंग। और मतलब अभी जो सारे मूवीज आप भी देख लो जानवी कपूर के, ऐसा भी एक भी नहीं है कि आपको लगेगा यार ये क्या बेकार एक्टिंग कर रही है। मतलब एक में भी एक्चुअली में जो भी मूवीज मैंने देखे हैं जानवी कपूर के, ऑफकोर्स शी इज बींग मतलब एक एक्टर, मतलब श्रीदेवी की बेटी, ऑफकोर्स मतलब श्रीदेवी की बेटी, मतलब वो एक्टिंग में ऐसा रहेगा ही। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं ना यार नेपोटिज्म, ये नेपो के साथ अच्छा एक्ट नहीं करते एंड ऑल दैट थिंग, लेकिन शी हरसेल्फ हैज बीन प्रूव्ड हरसेल्फ की यार मतलब वो एक नेपो किड होने के बाद भी शी एक्ट सो वेल, मतलब शी इज वेल डिजर्व्ड, बेसिकली ये बात है। तो आज हम है यहाँ पे उलझ का ऑफिशियल ट्रेलर देखने के लिए, सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रेलर इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। सर वी हैव अ सिचुएशन, देयर कुड बी अ लीक। इससे पहले कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर। इस इंटेल का सोर्स क्या है? आई सर में बात घूम रही थी। सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया इस देश की सबसे युवा डिप्टी हाई कमिश्नर बनने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म का काफी हाथ है। आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन रिजर्व नहीं करती? आई फील जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी उम्र में ऐसा पोस्ट मिलना इज अनयूजुअल। क्या सोचा तुमने, बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। लंदन की एम्बेसी में खबरी है जब तक मेरी ऑफिशियल क्लियरेंस न मिले एवरीबॉडी इज सस्पेक्ट। बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं? जो डाटा दे रहे हैं करा के दो। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए। हमारे दो रॉ अंडरकवर एजेंट्स की जान खतरे में। I don't know, पूरे शिट में इसके पीछे इसी का हाथ है। What the hell is going on in London? सुहाना 24 घंटों से गायब। तेरे फोटो से उन्हें जो प्रूफ चाहिए था ना वो उन्हें मिल गया। मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली। सिवाय खुद के। Shut up! सुहाना भाटिया, bloody spy. देशद्रोही, गद्दार। Always showing your innocent face, you think it'll work with me? मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, वो सब छीन लिया, सब। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह सताया हो। तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। ओहो! बहुत मजेदार है ये ट्रेलर। डायरेक्टेड बाय नेशनल अवार्ड विनर सुधांशु सारिया। इट इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ राजी तलवार एंड रुजाया पे लिखा था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ राजी तलवार एंड एक सेकेंड यार प्लीज सॉरी। हाँ राजी तलवार एंड भदाई हो। ओके ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सा थिंग है यहाँ पे। सो यहाँ पे जानवी का पहले उसको एक्टिंग के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक। शी हैज बीन डिड इनक्रेडिबली। वो जो चीखने के चिल्लाने के वो सारे आवाज थे एंड द वे शी लाइक स्मग, ऐसा वाला वो एक सिचुएशन था वहाँ पे, वो वाला भी एकदम आई जस्ट लाइक गॉट इन टू दैट कैरेक्टर। बहुत मज़ेदार ये स्टोरी एंड एवरीथिंग होने वाला है। सो
उसको भेजा गया एज अ पुलिस ऑफिसर बट एज अ स्पाई ऑल्सो. तो वो स्पाई एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है. ऑफकोर्स तो पूरा वो स्टोरी एंड एवरीथिंग दे हैव बीन नॉट बीन रिवील्ड, बट इन हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जाह्नवी का जो भी है, शी हैज़ बीन फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मिनिस्टर, नहीं ऑफिसर, लाइक पुलिस ऑफिसर, डिप्टी पुलिस एंड डिप्टी पुलिस, और उसको भेजा गया था इन द US टू डू ऑल दैट जो भी था. उसके बाद उसको पता चला उसको कोई किसी एक क्या बोलते हैं स्कैम एंड समथिंग, उसमें उसको फंसा दिया गया है. नाउ हाउ शी विल बी कमिंग बैक, शी हैज नो हेल्प एंड एवरीथिंग, तो उसको हाउ शी विल बी रिट्राइविंग हर सेल्फ अगेन बैक, वो एक यहाँ पे देखना इज वेरी इंटरेस्टिंग. और जैसे जैसे ये सारे कैरेक्टर जैसे बिल्ड होते गए ना, वो जो उसका पार्टनर था लाइक स्टार्टिंग में वो मेरा काम वो वाला वो बंदा, और उसके बाद वो चाइनीज वाला वो भी, तो ये सारे चीज एंड एवरीथिंग. आई गेस शी इज नॉट अ स्पाई एंड एवरीथिंग, बट उसको फंसाया गया है एंड शी इज बीन नाउ बीन रिट्राइविंग केयर, वो बाहर कैसा है सब में से. और मैं बकरी को फंसाया गया एंड एवरीथिंग, तो अभी बकरी शेर खा जाएगी, तो वो वाला एक सीन आई लव दैट. वो मतलब वो जिस गुरूर एंड एवरी इंट्रूसिवनेस से जाह्नवी ने बोला है ना, वो एक डायलॉग आई loving that one. और ये इंडिया और US के बीच एंड एवरीथिंग ये सब कुछ चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार. तो ये राजेश जो मूवी है ना, आई गेस मैंने ये मूवी थिएटर में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस यस, मैं मूवी मैंने थिएटर में देखा था राजे मूवी, एंड दैट वॉज लाइक बेस्ट मूवी आई बीन एवर वॉच इन दैट थिएटर. तो आलिया भट्ट ने जो एक्टिंग किया था उसमें, इट इज़ ऑल फ्रॉम द मेकर्स ऑफ राजी, तो आप समझ सकते हो कि कितना दिस इंटेंस ये होने वाला है. और जो राजे मूवी में वन ईच नर्व पे वो मेरी चढ़ी थी कि भाई अभी क्या होगा, वॉट विल हैपन, विल शी बी एबल टू सर्वाइव, अभी मतलब उसको मिल तो नहीं जाएंगे उनको लाइक पाकिस्तानी उनको एंड ऑल दैट, वो क्या मतलब उनके हाथ तो नहीं लग जाएगी, ईच एंड एवरी थिंग एंड तक जैसे मतलब यहाँ सांस रोके हुए दिखा था, ये सेम वो सस्पेंस एंड एवरी थिंग यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. और बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार मेरे को ये क्या बोल सकते हैं ट्रेलर लग रहा है. और 2 अगस्त के दिन ये रिलीज़ होने जा रहा है थिएटर्स नियर अस. और जाह्नवी कपूर के कोई भी आप मूवी पकड़ लो, दे आर लाइक वेरी फैसिनेटिंग, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं द स्टोरी लाइन शी चूजेस. इवन इफ मतलब नॉर्मल लव स्टोरी भी हो, लेकिन वो लव स्टोरी में जो कॉमेडी and everything she had by her acting na, wo mere ko bahut zyada pasand aata hai. and now we are here with it, to ye release hone wala hai, the movie name Ulaj on the 2nd of the August in theaters near us, to dekhenge hum. so yeah, that is it for today. agar video aapko pasand aayi ho to like kar dena, niche comment karke batana ki kaisa laga, aur aapko aise aur videos chahiye wo bhi comment karke bata do, is video ko share kar do, niche diye gaye white subscribe button ko wo bhi click kar dena, aur mera insta id niche description mein diya gaya, so please follow that too. thank you.